कोरोना का टाइम चल रहा है और इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी पावर को रोग प्रतिरोध जो हमारी शारीरिक जो क्षमता है उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये प्याज जितनी की तीखी होती है उतनी ही ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं आपको इस वीडियो में प्याज के फायदे के बारे में बताऊंगी और प्याज हमें हर रोज खाना चाहिए और क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है ये पहले बताती हूँ। प्याज में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सिक्स, बी कॉम्प्लेक्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्याज में आयरन, फोलेट और पोटेशियम जैसे खनिज भी पर्याप्त मात्रा में होती है। कच्चे प्याज को इस्तेमाल करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप सैलेड बना करके खा सकते हैं, ये थोड़ी उसे पानी में डाल दें तो उसका जो तीखापन होता है वो कम हो जाता है। उसमें आप ये क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, नमक, नींबू अगर ये मिला देते हैं तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। हम स्प्राउट में मिला के खा सकते हैं। तो इस तरह से प्याज खाने के कई तरीके हैं। बात करते हैं प्याज खाने के फायदे के बारे में। तो कच्चे प्याज के इस्तेमाल से बाल लंबे होते हैं। कच्चे प्याज के रस को अगर बालों में लगाते हैं तो उससे भी बालों को फायदा पहुंचता है, बाल झड़ने कम होते हैं और बालों में ग्रोथ आती है। प्याज का इस्तेमाल ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करने का काम करता है। मधुमेह के मरीजों के लिए भी ये काफी फायदेमंद होता है। कच्चे प्याज खाने से रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करती है। प्याज में कई ऐसे तत्व होते हैं जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। प्याज में मौजूद विटामिन सी और कैल्शियम कैल्शियम ओरल हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है। ये एक एक ही जिसे हम हर कोई अपने किचन में इस्तेमाल करता है। प्याज पर इसके इतने सारे फायदे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। और कोरोना टाइम में तो भी कच्ची प्याज खाना बहुत जरूरी है, और गर्मी भी है तो ये पेट के लिए भी, जो तासीर होती है वो ठंडी होती है तो पेट के लिए भी फायदा करती है। पेट में किसी तरह की बीमारी हुई है तो उसके लिए भी फायदा करती है प्याज। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा।